हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारेयां दा अपने चैनल ते अमन स्टडी टिप्स ते दोस्तों नौवीं जमात दा जेहड़ा साइंस दा फाइनल एग्जाम होना दोस्तों, जिवें कि आपां तुहाडे नाल पहली वीडियो च करवाया दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट। ते अज्ज दी वीडियो च आपां तुहाडे नाल होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवावांगे पार्ट 2, समझ लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो दोस्तों ये भी पेपर तुहाडा 80 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का टाइम है, तुसीं देख सकते हो। ये दोस्तों सैंपल पेपर होंदे ने एक तरह के, इन्हां विच तुहाडे पेपर च बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आउंदे होंदे ने, इस करके दोस्तों इन्हां नूं कवर चंगी तरह याद करके जरूर जाना जिस दिन तुहाडा यह पेपर है साइंस का 9वीं क्लास का। बाकी जिहड़े तुहाडे होर पेपर हो रहे हैं सारे तैयारी तुहानूं अपने चैनल पर करवावांगे, चैनल नूं कर लेना सब्सक्राइब। हाँ जी मित्रों, जिवें कि तुसीं देख सकते हो सब तो पहलां तुहाडे लवे आ जाऊगा भाग ऊड़ा, भाग ऊड़े विच सब तो पहलां तुहाडे लवे आ जाणगे दोस्तों 21 अंकां वाले प्रश्न उत्तर, सारे दे उत्तर लगे हुए ने। तुहानूं अगे दस्सदे आपां प्रश्न पहले ते तो लैके 17 तक सूही विकल्पी की चोण करो। हाँ जी दोस्तों, ये तुहाडे लवे आएंगे दोस्तों MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर, जिमें कि पहला प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट, इन्हां विच्चों किहड़ा पदार्थ नहीं है। किहड़ा पदार्थ नहीं है दोस्तों? गर्मी महसूस करना, धुआं, नमी, पानी। ये दोस्तों देखो सारे पदार्थ ने एक तरह के, धुआं भी पदार्थ है, नमी, पानी। इसका आंसर है दोस्तों गर्मी महसूस करना, क्योंकि ये अलग जिहा हो गया ना, ये पदार्थ नहीं हैगा। इस तो अगे दूजा प्रश्न है, किस विधि राही दो अघुलनशील दवां नूं वख करन लई उपयोग किया जाता है। इसका की उत्तर आएगा दोस्तों निखेड़क, कीव, पकेंद्रण या फिर फिल्ट्रेशन या फिर वाष्पीकरण। इसका आंसर आएगा फिल्ट्रेशन। अगला प्रश्न है तीजा, मतलब हेठ लिखियां विचों किहड़ा इंडल प्रभाव नूं दर्शाएगा। किहड़ा दोस्तों दर्शाएगा? नमक का घोल, दुध या फिर सागर, सलवेट का घोल या फिर स्टार्च का घोल। इसका आंसर आएगा स्टार्च का घोल। बाकी दोस्तों जे कोई प्रश्न में कोई तुहानूं गलत लगता कोई अखर, तुसीं आपां नूं कमेंट करके दस सकते हो। हाँ जी मित्रों, इस तो अगे परमाणु अंक तो की भाव है। की भाव है दोस्तों? इलैक्ट्रॉनां की संख्या, प्रोटानां की संख्या या फिर न्यूट्रानां की संख्या, कोई भी नहीं। इसका आंसर आएगा इलैक्ट्रॉनां की संख्या। हाँ जी दोस्तों, कई बार टाइपिंग करते हुए जी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अखर जो गलत हो जाता है। इस तो अगला प्रश्न है दोस्तों पांचवां, मतलब सोडियम की सही इलैक्ट्रॉन वंड हेठ दित्तियां विचों किहड़ी है। किहड़ी है दोस्तों? सोडियम की अपन लवे 281, ठीक है। इस तो अगे आ जाओ दोस्तों अगला प्रश्न, अपन लवे सैल की खोज किसने की सी। किसने की है दोस्तों? न्यूटन या फिर कार्लस लीनियस। इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक ने, जिमें कि आप पहले वीडियो च भी आए थे दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस तो अगला प्रश्न है सत्तवां, किहड़ा टिश्यू हड्डी नूं पेशी नाल जोड़ता है। किहड़ा दोस्तों? लीगामेंट। ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हूं याद कर दिओ नाल दी नाल, करी चलो नाल दी नाल याद। हेठ लिखियां विचों किहड़ा फ्लोमेंट फ्लोइम टिश्यू विच नहीं पाया जाता। किहड़ा नहीं पाया जाता दोस्तों? फतोइम रेशे। अगला प्रश्न है दो नवीं पद्धति विच किहड़े दे नाम शामिल हैं। किहड़े दो नाम शामिल हैं? किहड़े दोस्तों? आर्डर अते फैमिली। इस तो अगे दोस्तों अगला प्रश्न 10वां, आपन लवे बल दा 51, यानी कि तुसीं देख सकते हो मार्क है कि है दोस्तों 1। इस तो अगे दोस्तों अगला प्रश्न आपन लवे वस्तु दे संवेग दा माड़क हुंदा है। की हुंदा है दोस्तों? KEMS या फिर GMMS। इसका आंसर है KEMS। इस तो अगे अगला प्रश्न है किसी वस्तु का चन्न के भार धरती के उसका कितना होता है दोस्तों? 1/6। इस तो अगे आ गया मतलब गुरुता आकर्षण के कारण की होता है। हाँ जी दोस्तों, की होता है दोस्तों? दोवें ऊड़ा ते ऐड़ा, यानी कि समुद्री छल्लां होंदियां हन, चंद की गति, ठीक है। इस तो अगे अगला प्रश्न है सारी धरती नूं कंबल वांग ढकन वाली हवा नूं की कहा जाता है। वायुमंडल। अगला प्रश्न है 14वें तो अगला 15वां, हेठ लिखियां विचों किहड़ा पानी प्रदूषण का कारण बन सकता है। किहड़ा बन सकता है? यह सारे, यानी कि रसायणिक खाद, कीटानाशक, पारे दे लूण। इस तो अगे 16वां प्रश्न अपने गावां दियां स्थानक नस्लां हन। जर्सी, साहीवाल, लाल सिंधी, तुहानूं पता ही होगा साहीवाल, ठीक है। इस तो अगे दोस्तों एपली कल्चर किस दे पालन नाल संबंधित है। इसका आंसर है दोस्तों गावां। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ जरूर सबसक्राइब कर लियो जो नहीं कराया होया सबसक्राइब करके बैल आइकन ਨੂੰ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ सैट कर लियो क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ सारे एग्जाम हो रहे ने सारे तैयारी तो अपने चैनल पर करवावांगे फुल सोलो सैंपल पेपर ਨਾਲ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ਨਾਲ चैनल ਨੂੰ जरूर सबसक्राइब कर ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ अपने दोस्तों मित्र तक ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ जरूर ज्वाइन कर लियो क्योंकि पीएससी ਵੱਲੋਂ कोई भी न्यूज़ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ अपडेट कर दिया ਕਰਾਂਗੇ पंजाब स्कूलों बारे कोई भी न्यूज़ आवे अगर तुहानू कोई डाउट होंदा अपना परसनल मैसेज करके पुछ सकदे हो लिंक डिस्क्रिप्शन च अपनी इंस्टाग्राम आईडी दा ते हाँ जी दोस्तों अपन इंस्टाग्राम ते जरूर फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन च तुहानू कोई डाउट होंदा अपनू मैसेज करके उत्थे पुछ सकदे हो रियल आईडी दा। इस तो क्या आजूगा अपना भाग ऐड़ा विच दोस्तों हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 30 तो लैके 40 शब्दों में लिखो। ये तुहाडे लई दोस्तों 2-2 अंकों वाले प्रश्न आ गए 12 ठीक है। इस तो अगे सारे करने ने दोस्तों इस विच तुहानू ऑप्शन नहीं आती जिवें कि पहला प्रश्न है गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होंदा है। ਇਹਦਾ आंसर है मिट्टी के घड़े बने घड़े विच छोटे छोटे छेक ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां अपना वे उदाहरण सहित संख्यांगी अते विखमांगी मिश्रणों में अंतर दसो। हाँ जी दोस्तों पहला आप कर देंगे सखांगी मिश्रण। पहला इहदा पॉइंट है इस दे घटक विच समान वंडे हुंदे हन। अगला हैगा सैकेंड पॉइंट इस विच अंशां दे गुण अते संरचना हर अवस्था विच समरूप हुंदी है। उदाहरण पीतल कांसा पानी विच चीनी अलकोहल विच पानी हवा आदि। इस तो अगे विषमांगी मिश्रण किहड़े हुंदे हन। इस विच पहला पॉइंट है इस दे घटक विच एक समान रूप विच वंडे नहीं हुंदे। इस विच अंबां दे गुण एक दूजे तो तीन भिन्न हुंदे हन। उदाहरण रेत कण अते लोहा चूर्ण रेत अमोनीयम क्लोराइड पानी विच चाक पानी विच तेल आदि। इस तो अगला प्रश्न है दोस्तों अपना भी परमाणु दे तीन नेड़े अंगां दे नाम लिखो। इसका आंसर है परमाणु दे निकड़े कण परमाणु दे हेठ लिखे निकड़े कण हैं किहड़े-किहड़े प्रोटीन। इस तो अगे नैक्सट अपना भी इलैक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ठीक है। इस तो अगे 21वां क्वेश्चन है अपना भी दोस्तों लाइसोसोम नूं आत्मघाती पोटली क्यों कहते हैं। क्यों दोस्तों जदों सैल की टुट भज हो जाए तो ये मर जाण तां लाइसोसोम फट जाते हैं अते एनजाइम अपने ही सैल नूं हजम कर लेंदे हैं। इसलिए लाइसोसोम नूं आत्मघाती पोटली कहते हैं। इस तो अगला प्रश्न है दोस्तों तुसीं देख सकते हो 22वां अपना भी जीवन वर्गीकृत करने के लाभ की हैं। इसका उत्तर है जीवन वर्गीकृत करने के लाभ इस तरह हैं। पहला पॉइंट है इस नाल वख-वख जीवों का अध्ययन करना सौखा हो जाता है। यह सारे जीवों की एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। यह जीवों के वख-वख समूहों में संबंध बारे दसदा है। अगला पॉइंट है यह जीवन विज्ञान दीआं होर शाखावां नूं आधार प्रदान करता है। अगला पॉइंट है भूगोल का अध्ययन पूरी तरह पौद्या जंतुओं के वर्गीकरण से आधारित है। इस तो अगे आजो दोस्तों अपना भी अगला प्रश्न। हाँ जी दोस्तों इस तो अगे अपना भी 23वां क्वेश्चन थी जोड़ा अपना भी किसी रुख दी टाणियां नूं तेजी नाल हिलाउण नाल कुछ पत्ते क्यों झड़ जाते हैं। इसका आंसर है टाणियां नूं हिलाउण तो पहला टाणियां अते पत्ते दोनों विराम अवस्था विच सन। हिलाउण नाल टाणियां गति विच आ गईयां ते जदों कि पत्ते विराम जड़ता कारण टाणियां तो अड्ड होके हेठां डिग जाते हैं। अते इस तो अगे 24वां अपना भी क्वेश्चन है दोस्तों 10 किलोग्राम पुंज वाली एक घंटी फर्श नूं कितना संवेग स्थानांतरित करेगी जदों कि यह 80 सेंटीमीटर की उचाई तो थले वल नूं डिगदी है। इसका थले वल डिगदियां होइयां प्रवेग का मान 10 ms -2 लै लो। यह हल कराया हुआ तुम देख सकते हो सारा यह आंसर आ जाऊगा अपने लोग हल करके 40 kg ms -1 उत्तर ठीक है। इस तो अगे दोस्तों अगला प्रश्न है अपना वे पानी की सतह ते रखी हुई कोई वस्तु क्यों तैरती या डुबती है। पानी की सतह पर रखी हुई वस्तु उस वेले तैरती है जदों कि पानी द्वारा उपर बल नूं लगाया गया धकेल बल वस्तु के भार तो ज़्यादा होंदा है अते वो वस्तु उस हालत विच डुबदी है जदों कि वस्तु का भार पानी द्वारा लगाए गए धकेल बल तो वध होंदा है। इस तो अगला दोस्तों अपना 26वां क्वेश्चन है। असीं कहे कदे कहते हाँ कि कार्य किया गया है, यह उत्तर है कार्य यानी कि वर्क। जदों किसी वस्तु 8/25 लगे तो वस्तु विच बल की दिशा विच विस्थापन होवे तां बल द्वारा कार्य होया कहा जाता है। कार्य W ठीक है, इसका फॉर्मूला। इस तो अगे चंगी सेहत दियां कोई 2 निशानियां दसो। चंगी सेहत लई व्यक्ति की शरीरक मानसिक अते समाजिक स्थितियां का वधिया होना जरूरी है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, जीवन लई पानी क्यों जरूरी है। सारे जीवों विच कोशिकावां हुंदियां हन। कोशिकावां जीव द्रव तो बनदियां हन जिस विच लगभग 90% पानी हुंदा है। कोशिकावां दी सारी क्रियाशीलता पानी के माध्यम नाल ही हुंदी है। पानी की गैर मौजूदगी विच यह जीवन नहीं रह सकदियां, इस लई जीवन नूं पानी की लोड़ हुंदी है जीवाणु ठीक है। इस तो अगे अगला है 92वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव की है। ग्रीन हाउस प्रभाव वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। साढ़े वायुमंडल विच कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.04% है जो बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की इस मात्रा नूं वख-वख क्रियावां द्वारा बना के रखा जाता है क्योंकि इसकी वरतों हरे पौधे अते महासागर भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं विच धरती की सतह तो प्रभावित परावर्तित विकिरणा नूं सोखण की समर्था आती है जिस नाल वायुमंडल गर्म हो जाता है। इस तरह सोखित विकिरणा कारण वायुमंडल के गर्म होण नूं ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इस तरह वायुमंडल विच कार्बन डाइऑक्साइड की वधेरे मात्रा वातावरण नूं प्रभावित करती है। जल वाष्प अते ओजोन विच भी ताप किरणां तुसीं देख सकदे हो दोस्तों, वी किरणां नूं सोखण की शक्ति हुंदी है। इस लई इन्हां नूं भी ग्रीन हाउस गैसां दे रूप विच मन्निया जांदा है क्योंकि CO2 वायुमंडल विच एक समान रूप विच वितरित है। इस लई ग्रीन हाउस प्रभाव नूं जल वाष्प अते ओजोन तो वधेरे प्रभावित करती है। इस तो अगे आ गए दोस्तों भाग ईडी। अपना वे भाग ईडी विच दोस्तों अपना वे आ गए वड्डे प्रश्न 50 तो 70 शब्दों में लिखने ने। इस विच 30वां यानी कि पहला वड्डा प्रश्न है, पदार्थ के कणा दियां की विशेषतावां हुंदियां हन। सारे पदार्थ कणा तो मिलण ते बनदे हन। सारे पदार्थां दे कण बहुत छोटे हुंदे हन, इन्ने छोटे हुंदे हन कि उन्हां दे छोटे आकार दी असीं कल्पना भी नहीं कर सकदे। उन्हां दीआं विशेषतावां हेठ लिखे अनुसार हन। पदार्थ के कण विच खाली थावां हुंदियां हन। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहंदे हन, उन्हां विच गतिज ऊर्जा हुंदी है। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे नूं आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल वख-वख पदार्थों विच वख-वख हुंदा है। अगला पॉइंट है चौथा, तापमान वधाउण ते कणां दी गतिज ऊर्जा वध जांदी है। इस तो अगे दोस्तों अगला अपना प्रश्न हैगा, इलैक्ट्रॉन प्रोटाना अते न्यूट्राना दे गुणों की तुलना करो। हाँ जी दोस्तों, ये सारी तुलना करी हुई है, तुहानूं दिखाने आपां सारियां दे अगे किवें करी हुई है। इत्थे दोस्तों इलैक्ट्रॉना बारे लिखिया होया, इत्थे प्रोटाना बारे, इत्थे न्यूट्राना बारे ठीक है। संकेत, चिन्ह, स्थिति, चार्ज, प्रकृति, पुंज तुसीं पढ़ लो एक बार, तुहानूं सारा दिखा देने आपां एक बार नाल दोस्तों याद करी जाना नाल दी नाल। इस तो अगे पौधा सैल अते जंतु सैलों की तुलना करो। हाँ जी दोस्तों, इस विच अंतर दसना अपने जंतु सैल अते पौधा सैल विच। ये दोस्तों आपां कर लैणे आ। जंतु सैल विच सैल भित्ती नहीं हुंदी, इसे दुआले सैल झिल्ली हुंदी है। हरेक पौधे सैल दे बाहरले सैलूलोज की बनी सैल भित्ती हुंदी है। जंतु सैल विच प्लास्टिड नहीं हुंदे। इस तो अगे पौधे सैलों विच प्लास्टिड हुंदे हन। जंतु सैल विच तां रसदानियां नहीं हुंदियां जां तां इन्हां दा आकार बहुत छोटा हुंदा है। पौधे सैल विच वड्डे आकार दी रसदानी सैल वक्यूल हुंदी है ठीक है। ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਰਾਖਵੇਂ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पौधा सैल विच आम तौर पर निशाशता यानी कि स्टार्च राखवें भोजन वजों जमा होया हुंदा है। ठीक है, इस तो अगला पॉइंट है जंतु सैल विच स्टोमेटा ना सेंट्रोसोम हुंदे हन। पौधा सैल विच सेंट्रोसोम नहीं हुंदे। ठीक है, इन्हां सैलां विच प्रकाश संश्लेषण नहीं हुंदा, इन्हां विच प्रकाश संश्लेषण हुंदा है। यह आम तौर पर छोटे आकार के होंदे हन, यह आम तौर पर वड्डे आकार के होंदे हन। अगला पॉइंट है अपन लवे गालजी इकाइयां हुंदियां हन। गालजी इकाइयां वख-वख इकाइयां डिक्टोसोम्स दा बणिया हुंदा है। इन्हां विच कैल्शियम आगरजालेट दे रवे नहीं हुंदे, इन्हां विच कैल्शियम आगरजालेट दे रवे सदा हुंदे हन। इस तो अगला दोस्तों अपने प्रश्न है स्टोमेटा दे की काम हन। हाँ जी दोस्तों, स्टोमेटा वायुमंडल विच गैसां दा आदान प्रदान करता है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी इन्हां द्वारा हुंदी है। इस तो अगे दोस्तों अगला प्रश्न है अपने भंडार घरां विच अनाज की हानि किवें हुंदी है। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर है अपना भी जैविक कारक अते अजैविक कारक करके जैविक आधार ते कीट उलियाँ चिचड़ी अते जीवाणु फसलों की गुणवत्ता नूं खराब करते हैं अते उन्हां दे भार नूं घट कर दिंदे हन। इस तरह उत्पाद बेरंगा हो जाता है, इन्हां विच पुंगरन की शक्ति घट जाती है। अजैविक आधार ते नमी ताप फसलों नूं खराब कर दिंदे हन। ठीक है, फसल विच उली पैदा हो जाती है। इस तरह दोस्तों इस तो अगला प्रश्न है छूत दे रोगां नूं फैलण तो रोकण लई तुहाडे स्कूलों विच केड़ियां केड़ियां सावधानियां जरूरी हैं। यह आंसर है छूत के रोगों में फैलन तो रोकण लई केड़ी सावधानियां ने दोस्तों। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों नूं साफ सुथरे रहना, रोजाना नहाउणा, शरीरक स्वच्छता अते व्यक्तिगत सफाई लई प्रेरित करना चाहिए है। अगला पॉइंट है दोस्तों दूजा संतुलित अते पौष्टिक आहार लैण दी सिक्ख्या देनी चाहिए है ताकि उन्हां दे शरीर विच कुदरती प्रतिरक्षा वधिया बने रहण। इस तो मल मूत्र होर फालतू पदार्थों का निपटारा ठीक ढंग नाल होना चाहिए है। खुलियां थावां ते मल त्याग अते पूरी तरह रोक होनी चाहिए है। सीवरेज व्यवस्था बहुत वधिया होनी चाहिए है। स्कूल की कैंटीन विच कट्टे हुए फल बिना ढकी खाद सामग्री आदि ते रोक होनी चाहिए है। इस तो अगला दोस्तों प्रश्न है शक्ति की परिभाषा दिओ। शक्ति की SI इकाई लिखो। ये दोस्तों तुम कर लिओ, आपां तुहानूं दिखा दिंदे हां इहदा आंसर। इस तो अगे आ जाओ दोस्तों अगला प्रश्न हेठ लिखिआं दे सूत्र लिखो। हाँ जी दोस्तों, सूत्र लिखने ने अपने सोडियम आक्साइड का पहला तो Na2O। ठीक है, सारे सूत्र लिखे हुए ने। एलमीनीयम क्लोराइड का यह है, सोडियम सल्फाइड, मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड का यह है। ठीक है, इस तरह तुम देख लेना। सो अगला प्रश्न है दोस्तों अपना वे एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई कि इसका विस्थापन सिफर हो सकता है, जेकर है तो फिर अपने उत्तर नूं उदाहरण नाल समझाओ। इसका उत्तर दोस्तों करते हैं आप गति दौरान विस्थापन की मात्रा सिफर जीरो हो जाती हो सकती है जेकर वह वस्तु की गति करते हुए अपनी पहली स्थिति ते आ जाए। इस अवस्था विच अंतिम स्थिति पहली स्थिति नाल मिल जाती है। इस तो अगे उदाहरण वजों मान लो कि एक वस्तु मूल बिंदु जीरो तो गति करती हुई ए तक 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जेकर वह वस्तु गति करती हुई वापस ए तो ओ तक आ जाए तो उस अवस्था विच उसका विस्थापन सिफर यानी कि जीरो परंतु तय की गई कुल दूरी OA+AO। ठीक है, तुम देख लो, तुहानूं आपां सारा दिखा देना दोस्तों एक बार। यह आंसर 120 किलोमीटर आ गया अपना वे। इस तो अगला प्रश्न दोस्तों चाल ते वेग विच अंतर दसना। अपने चाल ते वेग च अंतर दस्या होया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला पॉइंट है चाल दा इकाई समय विच तय कीती दूरी वस्तु दी चाल अखवाउंदी है। ठीक है, इकाई समय विच किसी निश्चित दिशा विच तय हुई दूरी नूं वेग आखदे हन जां इकाई समय विच होए विस्थापन नूं वेग आखदे हन। चाल नूं दर्शाउण लई सिर्फ परिमाण की लोड़ होंदी है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। वेग नूं दर्शाउण लई प्रमाण दिशा दोनों की लोड़ होंदी है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। चाल नूं तीर नाल प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वेग नूं तीर नाल प्रदर्शित किया जा सकता है। तीर की लंबाई वेग ते प्रमाण अते तीर की दिशा वेग की दिशा प्रदर्शित करती है। इस तो चाल हमेशा धनात्मक होंदी है। वेग धनात्मक ते ऋणात्मक दोनों तरह की होंदी है। अगला दोस्तों प्रश्न मतलब इंपोर्टेंट तुसीं देख सकते हो, सोनार दी कार्ज विधि। हाँ जी दोस्तों सारा उत्तर लिखा हुआ तुम देख सकते हो कि किस तरह करना है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तो अगे अगला प्रश्न आ गया अपना वे, इस विधि पुरातनी गश्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह जोड़ा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने कंप्लीट हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा ये सैंपल पेपर है कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों जेकर तुम अपने चैनल पर नवे आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सबसक्राइब हाल तक नहीं कराया, चैनल दोस्तों जल्दी कर लो सबसक्राइब और बैल आइकन ऑल नोटिफिकेशन से सैट कर लो, क्योंकि नौवीं जोड़े सारे पेपर हो रहे हैं, सारे तैयारी तुम अपने चैनल पर करवावांगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने पेपर 'च बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं तो आउणगे भी। इस करके दोस्तों अगे भी जोड़े पेपर होंगे रहेंगे, सारे तैयारी तो अपने चैनल पर रिवीजन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहेंगे। चैनल दोस्तों जरूर सबसक्राइब कर दो, वीडियो कर दो एक लाइक जो वधिया लगी तो शेयर कर दो वो तो वध। अपन टैलीग्राम से ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन या टैलीग्राम से तुहानूं सब तो पहला अपने चैनल की अपडेट्स, कोई PDF बारे PDF चाहिए अपन उत्थे तुसीं कमेंट कर सकते हो टैलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जल्दी तुहानूं आपां प्रोवाइड करांगे। तो जे तुहानूं कोई डाउट होंदा अपन परसनल मैसेज करके भी पुछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है अपनी रियल इंस्टाग्राम आईडी का, तो फॉलो दोस्तों जरूर कर लियो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। थैंक्स, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाल। धन्यवाद।